अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज टेस्टी फूड विद साइमा में बनने जा रहा है आलमंड अपसाइड डाउन केक। आलमंड अपसाइड डाउन केक बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें मैंने लिए हैं 2 कप मयरिन कप से नापा हुआ ये मैदा है, छना हुआ 1/2 कप घी है। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर घी इस्तेमाल किया है। 20 से 25 बादाम 2 टुकड़ों में काट लिया है, 1/2 कप दूध है, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है, 1 कप भरा हुआ चीनी का है और 4 अदद अंडे हैं, कुछ बादाम हैं कुटे हुए। अब एक प्याली लेंगे, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक प्याली ली है, उसके अंदर मैं 1-1 अंडा करके तोड़ूंगी, फिर देखते जाएंगे कि साथ साथ अंडे को ही, इस तरह ख़राब कोई अंडा हो तो उसका पता चल जाता है। ब्लेंडर के अंदर मैं 1-1 अंडा करके शामिल करूंगी। इसी तरह हम 4 अंडों को शामिल कर लेंगे। एक एक अंडा करके मैं देखती जा रही हूँ कि ठीक है, तो इसको मैं ब्लेंडर में शामिल करूँगी। इस तरह 4 अंडे जो हैं वो ब्लेंडर में मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर जो मैंने 1/4 कप दूध रखा था वो शामिल करना है, 1 कप फुल भरा हुआ जो चीनी का है वो शामिल कर रही हूँ और 1/4 कप हाफ कप जो है वो घी शामिल किया है। अब इन चीजों को मैं ब्लेंडर में डाल दिया और इनको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। इस तरह ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। जिन लोगों के पास बीटर नहीं है और या ओवन नहीं है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो इस तरह केक बना सकते हैं। अब मैंने 2 पाउंड का सांचा ले लिया है, उसको मैंने नीचे से ग्रीस कर लिया है। आप बटर के साथ या ऑयल के साथ ग्रीस कर सकते हैं। बीच में मैंने बटर पेपर गोल काट के लगाया। अब मैंने जो 2 हिस्सों में कटे हुए बादाम थे वो 1-1 करके उल्टा करके मैं डालती जाऊँगी इसकी बेस के अंदर। मैं इस तरह उल्टे करके सारे बादाम जो है वो लगा लूँगी। इसके बाद जो कुटे हुए बादाम थे उनको मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लूँगी सारे को। इस तरह से हमारा जो सांचा है वो रेडी हो गया केक के बैटर के लिए। तो देखिए ये हमारा सारा जो सांचा है वो तैयार हो गया। अब मैं एक शीशे का बाउल लूँगी, उसके अंदर मैं मयरिंग कप के साथ लेवल करके 2 कप जो हैं वो मैदा जो है उसे अच्छे से छान लूँगी। 2 से 3 बार इसको मैंने छान लिया है, फुल भर के मैंने ये मैदे के 2 कप लिए हैं। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर की शामिल की है, चुटकी भर नमक डाला है। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करूंगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसके अंदर मैंने जो ब्लेंडर के अंदर बैटर तैयार किया था, अंडे, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल या घी, उसका जो मैंने मटेरियल तैयार किया था बैटर, वो मैं इस मैदे के अंदर डाल के इसे अच्छे से फोल्ड करूंगी। साथ ही इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वनीला एसेंस की शामिल कर दूंगी। अब इस बैटर को अच्छे से मैं फोल्ड करूंगी। तो ये हमारा बैटर जो है ये तैयार हो गया है। वनीला एसेंस शामिल किया और इसमें 1/4 कप जो है मैं दूध शामिल कर रही हूँ। दूध शामिल करने के बाद इसे अच्छे से जो है वो आप फोल्ड करते जाएं कि ये बैटर जो है इसमें कोई लम्स ना रहें और अच्छे से ये बैटर जो है वो तैयार हो जाए। तो ये देखिए हमारा बैटर जो है वो पैन में डालने के लिए रेडी हो गया है, बेक करने के लिए तैयार है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने कुटे हुए बादाम रखे थे मोटे मोटे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करूंगी।
अब मैं इसको अपने केक के सांचे में अच्छे से इस बैटर को पोर कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके सारा बैटर जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। स्पैचुले के साथ इसको अच्छे से बाउल में से डालती जाऊंगी ताकि हमारा सारा बाउल जो है वो अच्छे से खाली हो जाए और बैटर जो है वो अच्छे से सांचे में आ जाए। अब मैं इसको हल्का सा झटक लूंगी ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो निकल जाएं, उनकी एयर सारी निकल जाए, इसलिए इसे दो तीन बार झटक लूंगी। साथ ही मैंने दूसरी तरफ पतीला जो है उसमें नमक डाल के स्टैंड रख के उसे प्री हीट कर लिया है। तो अब मैंने अपना केक जो है वो सांचे में डाल के रख दिया है और हल्की आंच के ऊपर 45 मिनट के लिए इसे बेक करूंगी। 45 मिनट के बाद मैं इसे टूथपिक से या शाश्लिक स्टिक के साथ चेक करूंगी कि हमारा केक जो है वो इसके साथ स्टिक तो नहीं हो रहा। हमारा केक जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा सा इसका कलर और खुशबू है इसकी। अब एहतियात से इसको निकालेंगे व्यूवर्स, ये बहुत ही गर्म है। अब छुरी के साथ इसके किनारे जो हैं उन्हें मैं हल्का सा जो है वो देख लूँगी और इस तरह किनारों को हम अलग कर लेंगे। तो प्लेट ऊपर रख के इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। व्यूवर्स ये केक बहुत ही गर्म है, इसे एहतियात के साथ आप डालें। इस तरह मैंने इसको उल्टाया है, बहुत गर्म है। अब इसके ऊपर जो मैंने बटर पेपर लगाया था उसको आराम आराम से उस बटर पेपर को जो है वो मैं उल्टा दूंगी और इसे उतार लूंगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही अच्छा अपसाइड डाउन केक जो है वो तैयार हो चुका है। इसका कलर देखें और माशाल्लाह से सारी इसकी जो है वो आपको डिज़ाइनिंग भी नज़र आ रही होगी। अब मैंने 2 चम्मच जो है वो जैम ले लिया है, उसे फ्राइंग पैन में डाल लिया है और 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो पानी शामिल करके इसे हल्की आंच पर गर्म कर रही हूँ। आपके पास कोई सा जैम हो आप उसे ले सकते हैं। मेरे पास मिक्स फ्रूट जैम था, मैंने वही 2 टेबल स्पून भर के लिया है और 2 टेबल स्पून पानी लेके इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसे हल्का सा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये ज़रा गर्म हो चुका है तो ठंडा होगा तो फिर हम इसको केक के ऊपर जो है वो ग्लेजिंग करेंगे इसकी। जैम जो है वो घुल चुका है। अब मैंने एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर ग्लेसिंग कर रही हूँ। तो देखिए केक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ लग रहा है। इसको एक एक ब्रश जो है वो जैम का डिप करके लगाते जाएं, साथ ही इसके किनारे जो हैं उसको भी डिप कर करके जैम की एक लेयर लगा दें तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो केक लग रहा है। अब मैंने इसके वो ज़िगज़ैग किनारे जो हैं वो काट के बटर पेपर को 1.5 इंच का बटर पेपर लेके उसे मैंने ज़िगज़ैग में काट लिया ऊपर से और वो बहुत ही अच्छा सा बन गया है। अब इसके किनारे जो हैं वो मैं जहाँ मैंने जैम की एक लेयर लगाई थी वहाँ इसको चारों ओर जो है मैं लगाऊंगी तो वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो ऐसे ही लगेगा जैसे आपका बेकरी स्टाइल जो आलमंड केक है, ड्राई आलमंड केक जो है वो तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, अपना फीडबैक दें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।